वेलकम टू रहमान ब्लॉग्स। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं स्कॉर्पियो S10। ये 2016 का मॉडल है और ये स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल है S10। 2016 में स्कॉर्पियो का S10 आता था टॉप मॉडल, जिसमें एलॉय व्हील्स आते थे और हेडलाइट्स में DRL आते थे। और कुछ ये इसकी ग्रिल है जो कि आफ्टर मार्केट है, चेंज है। नीचे फॉग लैम्प्स आते थे। इसकी हेडलाइट में प्रोजेक्टर आता है और एक लो बीम प्रोजेक्टर होता है और हाई बीम की इसकी नॉर्मल हेलोजन होता है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के टायर्स की। तो टायर हमें इसमें मिलता है 17 इंचेस का, जिसकी लेंथ है 235/65 R17। इसमें 17 इंचेस का अलॉय आता है और हमें एक कंपनी के साथ ब्रिजस्टोन के टायर मिले हैं। स्कॉर्पियो में मिलने वाली लेंथ आती है 4.49 मीटर और इसकी हाइट होती है 1.98 मीटर। तो इसका व्हील बेस आता है वो आता है 2.68 मीटर। अब हम बात करते हैं इसकी साइड मिरर की। तो ये ऑटो फोल्डेबल नहीं आता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होता है, जो कि गाड़ी के अंदर से हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। स्कॉर्पियो की टेल लाइट्स LED आती हैं, जिसमें बीच में ये टर्निंग इंडिकेटर दे रखे हैं और नीचे रिवर्स का बल्ब दे रखा है। और ये कुछ ऐसी सी दिखती है इसकी टेल लाइट। और इसके बराबर में आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिलेगी, नीचे S10 की बैजिंग, और ये नीचे आपको इंटेली हाइब्रिड की बैजिंग मिलेगी। गाड़ी इंटेली हाइब्रिड है। गाड़ी में हमें रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रखे हैं, ये 4 सेंसर दे रखे हैं, और बीच में इसमें बैक कैमरा मैंने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवा रखा है। और आप देख सकते हैं गाड़ी में मैंने ये बुलगार्ड भी लगवा रखा है। हम स्कॉर्पियो में अंदर बैठते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या इंटीरियर प्रोवाइड होता है। ऐसा सा कुछ दिखता है स्कॉर्पियो का इंटीरियर। और गाड़ी में अंदर बैठते ही हमने देखी इसकी MID। MID में हमें शो होती है ट्रिप A और यह है इसकी ट्रिप B। इधर आपका ये हीटिंग कूलिंग का बताता है। दूसरी तरफ देखेंगे तो ये आपको ऑयल का साइन आता है, ऊपर बैटरी का साइन आता है और ये आपका एक हैंड ब्रेक का साइन है। आप ये देख रहे हैं जिस पे ये ऑटो स्टार्ट और स्टॉप लिखा है, ये एक स्कॉर्पियो में फीचर आता है, इंटेली हाइब्रिड सिस्टम। गाड़ी अगर रेड लाइट पे खड़ी है और आपने अगर गाड़ी न्यूट्रल कर दी और क्लच को रिलीज कर दिया, तो गाड़ी 6 सेकंड बाद बंद हो जाएगी। और गाड़ी को अगर आपको दोबारा स्टार्ट करना है तो आपको सिर्फ क्लच दबाना है और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, जिसका बटन आपको यहाँ दे रखा है। अगर आपको ये फीचर बंद करना है तो आप ये बटन बंद करके इसको बंद कर सकते हैं। स्कॉर्पियो में 5-speed गेयर बॉक्स आता है और स्कॉर्पियो में आने वाला इंजन है 2000cc का। और ये यहाँ पे एक इसका 12V का चार्जिंग सॉकेट दे रखा है। कुछ ऐसा सा दिखता है स्कॉर्पियो का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको ब्लूटूथ सिस्टम मिलता है, आईपॉड, USB, CD और ऑक्स का कनेक्शन मिलता है। आप यहाँ से इसमें पेयरिंग सेटअप में जाके अपना फ़ोन पेयर कर सकते हैं ब्लूटूथ से। और यहाँ पे इसका ये रेडियो का बटन, ये फ़ोन का बटन, ये आपको गाड़ी की इंफॉर्मेशन बताएगा कि गाड़ी के फ्यूल की कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या इसकी माइलेज आ रही है, कितना अभी आपके फ्यूल में गाड़ी चलेगी। ये गाड़ी का टायर टोनिक्स कि गाड़ी में प्रेशर कितना है टायर्स में, गाड़ी के प्रेशर टेम्परेचर कितना है। और ये अगर गाड़ी में रिवर्स कैमरा है तो ये वो दिखाएगा, गाड़ी में कोई अलर्ट आएगा तो ये अलर्ट दिखाएगा, और ये आपकी कोई गाड़ी की सर्विस ड्यू है तो ये आपको सर्विस की इन्फॉर्मेशन देगा। स्कॉर्पियो में हमें नेविगेशन प्रोवाइड होता है, तो आप यहाँ से नेविगेशन ओपन करके नेविगेट कर सकते हैं। स्कॉर्पियो में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, इसका AC आप मैनुअली भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको ऑटो पे डाल के इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने दे सकते हैं AC को। और इसमें ये नीचे 2 बटन दे रखे हैं। इसके टॉप मॉडल में ऑटो रेन वाइपर्स और ऑटो हेडलैम्प्स के ऑप्शन आते हैं। अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो रात में जैसे ही अंधेरा होगा लाइट्स ऑटोमेटिकली इसकी जल जाएंगी, और अगर आप ये ऑटो वाइपर का ऑन कर देंगे तो जैसे ही इसके रेन सेंसिंग वाइपर्स में पानी आएगा, वाइपर्स ऑटोमेटिक चलने लगेंगे। और कुछ ऐसा सा दिखता है स्कॉर्पियो का डैशबोर्ड। स्कॉर्पियो में थोड़ा स्पेस कम है, बट इसमें एक यहाँ पे एक ग्लव बॉक्स दे रखा है। स्कॉर्पियो के टॉप मॉडल में 2 एयरबैग आते हैं, एक इसका एयरबैग पैसेंजर साइड के लिए होता है और एक इसका ये स्टेयरिंग में दे रखा है जो कि ड्राइवर साइड के लिए होता है। आइए अब हम गाड़ी की मिडिल सीट्स की बात कर लेते हैं और मैं आपको बैठ के बताता हूँ कि इसका लेग रूम कैसा है। स्कॉर्पियो की बैठ सीट्स पे इजीली 3 बंदे बैठ सकते हैं और काफ़ी अच्छा लेग रूम है इसमें यहाँ पर। और ये आपको मिडिल सीट्स के लिए AC वेंट्स दे रखे हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस दे रखा है। और ये मैंने आफ्टर मार्केट सीट्स कवर इसमें इंस्टॉल करवा रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। इसके मिडिल गेट पे आपको थोड़ा बहुत स्पेस यहाँ पे मिलता है और एक ये बॉटल होल्डर मिलता है।
और ये इसका पावर विंडो कंट्रोल। आइए अब हम गाड़ी की बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। गाड़ी में हमें प्रोवाइड होता है 460 लीटर का बूट स्पेस और कुछ ये स्पेस इसमें मिलता है अगर हमने ये सीट्स इसकी फोल्ड कर रखी हैं। ये दोनों सीट्स हम इसकी खोल के इसमें 7 पर्सन ईजिली बैठ सकते हैं। और ये इसमें LED लाइट्स दे रखी हैं, रीडिंग लाइट एक आगे दे रखी है, एक रीडिंग लाइट पीछे दे रखी है। तो ये था आज का हमारा स्कॉर्पियो S10 रिव्यू। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको गाड़ी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग रहमान ब्लॉग्स।